हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश एमपीटेट जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो चुकी हैं और उसमें आप सभी स्टूडेंट जो एमपीटेट एस्पिरेंट थे उन सबके डाउट आ रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे या कौन सी शिफ्ट में नंबर घटेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे डाउट पूछ रहे हैं आप सब। तो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ। देखो, आपके 3 डाउट हैं। मेजर डाउट ये आ रहा है अभी तक हाल देखा जाए तो आपका सबका मेजर डाउट ही बन रहे हैं। फर्स्ट डाउट है आपका, कौन सी शिफ्ट इजी है, एक डाउट ये आपका है। ठीक है, डाउट नंबर फर्स्ट। डाउट नंबर सेकंड, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है, और थर्ड है आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड है। ये 3 आपके मेजर डाउट है। ठीक है, इस डाउट का सोल्व करते हैं किस प्रकार से आपका, और एक और डाउट ले लेंगे बाद में, लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो देखो कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है, जिसे देखते हैं हम कि जिसमें देखो आपके 5 क्वेश्चन थे इसमें, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंट। ठीक, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 था आपका, जो भी आपने प्रेफरेंस दिया था, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपको प्रेफरेंस था। अब शुरू से अंत तक देखा जाए तो इन्वायरमेंट तो टफ ही रहा है। शुरू से अंत तक देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट स्टडी थी, पर्यावरण अध्ययन था, तो वो तो टफ ही था। ठीक है, हार्ड ही था शुरू से लगाकर। और मैथ्स ने बीच में भी रुलाया था, शुरुआत से रुला रही थी मैथ्स तो। और बहुत सारी जगह ऐसा था कि पेपर मैथ्स से होते तो बहुत सिंपल भी था, और मैथ्स में जिनका बैकग्राउंड नहीं था मैथ्स में तो उनको हार्ड लगी थी। सबसे ज़्यादा जिसके पेपर में CDP जो मैथ्स पेडागोजी टफ आई है तो उसे हम हार्ड मान सकते हैं, जो इसमें जिस शिफ्ट में मैथ्स पेडागोजी MP मैथ्स पेडागोजी हार्ड आई हो। और CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट तो हर कोई कर सकता है, जो पेडागोजी थी वो भी हार्ड आई हो तो उस पेपर को हम हार्ड मान सकते हैं, हार्ड मान सकते हैं। और ये जिसमें मैथ्स पेडागोजी और CDP पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी एंड CDP पेडागोजी सिंपल थी तो उसे हम सिंपल इजी पेपर मान सकते हैं, इजी पेपर मान सकते हैं। दूसरी बात कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने क्या प्रेफरेंस दिया है, जैसे कि लैंग्वेज में अधिकतर थे शुरुआत में जो थे हिंदी, और सेकंड में संस्कृत वाले थे, नहीं हिंदी और इंग्लिश, फर्स्ट में क्या था हिंदी और इंग्लिश। हिंदी लगभग माना जाए तो बहुत सारे को सिंपल लगी है। इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन था, जो आपका स्किल डेवलपमेंट था उससे क्वेश्चन बने हुए, तो उसमें भी जो टफ थोड़ा बहुत टफ बने हैं इंग्लिश और हिंदी में, हिंदी इंग्लिश आपके पेपर में टफ रही होगी, तो ज़्यादा टफ होगी तो उसे भी हार्ड मानेंगे हम, हार्ड पेपर मान सकते हैं। जो शिफ्ट के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं, मॉर्निंग और इवनिंग वाली शिफ्ट में, जिसमें भी आपके हिंदी और इंग्लिश में थोड़े से जो क्वेश्चन आपको आउट ऑफ कुछ सिलेबस जैसा लगा होगा, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो इन्वायरमेंट था शुरुआत से ही बहुत अलग ही पूछा गया है। और ये हिंदी और इंग्लिश जिसमें सिंपल थी, हिंदी और इंग्लिश, ये इजी थी, जिसमें आपको लगा हो कि हिंदी और इंग्लिश आपके इजी हैं तो इस पेपर को आप इजी मान सकते हो, उस शिफ्ट को आप इजी मान सकते हो।
अब जिसमें मेस पेडागोजी एंड सीडीपी एंड अपने जो मेस पेडागोजी सीडीपी जिसमें मतलब मीडियम लेवल से था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा हार्ड था, ठीक है, तो उसे हम मॉडरेट लेवल से मान सकते हैं। उसे हम क्या मान सकते हैं? मॉडरेट लेवल से मान सकते हो। उस शिफ्ट को हम मॉडरेट लेवल से मान सकते हो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक और आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ईवीएस में तो बहुत सारे ऐसे थे क्वेश्चन, सुबह भी आए शाम को भी रिपीट हुए हैं। तो देखा जाए तो ईवीएस ने शुरुआत से ही अपनों को रुलाया भी है, क्योंकि ईवीएस शुरू से ही टफ ही रही है, तो इसलिए मिनिमम मान के चलो कि 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते होंगे, और 5-10 नंबर आप तुक्के मारी से करके 20 नंबर तो जा सकते हो आराम से, ठीक है। जो आपका पेपर हो गया आप सो उसको याद नहीं करते हैं। अब जिस पेपर में आपका ये, अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं, जो संस्कृत आपने संस्कृत हिंदी और संस्कृत वाले हिंदी यहाँ ले लेता हूँ मैं, हिंदी और संस्कृत। अब इसमें भी आपके हिंदी तो सिंपल आज सबको हो गई है, संस्कृत में थोड़ा बहुत ऐसा मैंने शुरुआत से अंत तक जो भी पर डे जो एनालाइज किया था मैंने लाइव रिव्यू लिया था आपके लिए, और संस्कृत में भी बहुत सारे टफ क्वेश्चन बने थे, जैसे कि बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे भी आए थे, बहुत थोड़ा क्वेश्चन भी ऐसे आउट ऑफ थोड़े दो लगे थे मेरे को किसी किसी शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में संस्कृत ज़्यादा टफ पूछी गई है उसे हम क्या मान सकते हैं, उस शिफ्ट को हम हार्ड मान सकते हैं। अब बात करते हैं, और यही हिंदी और संस्कृत जिन बच्चों के हिंदी और संस्कृत थी, हिंदी और संस्कृत थी, ठीक है, संस्कृत का पेपर जिसका इजी था बहुत सिंपल लगा आपको हिंदी और इंग्लिश में, तो उस पेपर को हम क्या मान सकते हैं, उस शिफ्ट को हम इजी मान सकते हैं। और जिसमें हिंदी और संस्कृत मीडियम मीडियम था, तालमेल बैठा हुआ था, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर ना नीचे 50-50%, तो उसे हम शिफ्ट को हम मॉडरेट मान सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर किस कैंडिडेट ने मारे होंगे, देखो दो चीज़ों में ही बच्चों ने नंबर मारे हैं, देखा जाए यहाँ देख लेते हैं, हम इस पॉइंट को देख लेते हैं। देखो नंबर जिसके भी अच्छे नंबर आए ना, जो 100+ गए हैं, 100+ नंबर जो गए हैं उसमें जिन्होंने मैथ्स प्लस आपका ईवीएस एनवायरमेंट स्टडी में ही जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं, जिन्होंने स्कोर अच्छे से किया है, क्योंकि सीडीपी और आपने सीटेट दिया होगा, रीट भी दिया होगा, तो उससे आपके नंबर तो सबके इंक्रीज होंगे, हिंदी आप पढ़ते पढ़ते आ रहे हो, और अधिकतर मुझे मैंने जो एनालिस किया है तो अधिकतर टीचर थे जो किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और मतलब 80% ऐसे थे कैंडिडेट एस्पिरेंट थे, एम्पिटेड एस्पिरेंट वर्ग 3 के एस्पिरेंट थे जो टीचर थे और कोचिंग पढ़ा रहे हैं स्कूल में, किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो देखा जाए तो उन्हें मैथ्स, उन्हें सीडीपी ठीक, और आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में इतनी तकलीफ नहीं आई होगी, ठीक है। अब तकलीफ कहाँ आई होगी उनको, मैथ्स और ईवीएस में तकलीफ आई होगी, तो उनके वहाँ नंबर कटने के चांसेस वहाँ नंबर पर, और जिन्होंने नंबर मारे हैं यहाँ पर 100+ जाने का कारण यही है कि इस नंबर पे। और अधिकतर देखा जाए तो राजस्थान वाले बच्चे अच्छे नंबर लेके आए, क्योंकि उन्होंने रीट 2 बार दे चुके थे, लेवल 1 और लेवल 2, उनका पेपर तो रिजेक्ट हो चुका, लीक हो चुका था, तो उनके तो वो कंप्लीट था, सीडीपी कंप्लीट था, और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंप्लीट थी, ठीक है। और आपको पता ही ईवीएस में पर डे जो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा नंबर लेके आए वो, और ज़्यादा कोई वाली बात नहीं है, उनकी स्टडी लगातार 2 साल से कोविड में भी उनके पेपर होते रहे थे राजस्थान में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको 3 डाउट आपके क्लियर हो गए, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट मॉडरेटरी और कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, ये तीनों आपके डाउट सोल्व हो चुके हैं। और अब आप कमेंट मत किया, और आपको कोई कमेंट आपके मन में और विचार दौड़ रहा है कि किस प्रकार से आपको वीडियो बने, और स्पेशल जो गेस्ट टीचर हैं उनके लिए भी मैं वीडियो कल बना दूंगा, थोड़ा मैं और घन एनालाइज कर रहा हूं मैं उसके बारे में, ठीक है। और मैंने जो 2000 जो गेस्ट टीचर की जो आंसर की आई है, अपने जिनका कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, वो अपने मिडिल स्कूल वाले का, अभी मैंने उसकी साइड पर MPPB की साइड में जाके देखा है, तो उसको भी एनालाइज कर रहा हूं, तो मैं इस आधार पर आपका बना दूंगा किस प्रकार से आपके मेरे लिए आपके रो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ कितना जाएगा।
और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।